हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। के नाम तुम हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि राबिया अपने घर जाके सोचने लगती है कि ईशु से प्यार करके ईशु से प्यार करके उसने कोई गलती तो नहीं की ना। थोड़ी देर में शाम होती है तो उठ के पार्क में जाती है और बैठी रहती है, यही सब सोचती रहती है। उसके दिमाग में यही सब आ रहा होता है। तभी पायल उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है तो बताओ राबिया। राबिया बोलती कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तभी पायल के मुंह से निकल जाता है, मुझे पता चल गया तुमने क्या किया ईशु के साथ। ये सुनकर राबिया उसकी तरफ देखती है और कहती है किसने बोला तुम्हें। अब पायल कंफ्यूज थी कि आखिर वो क्या बोले, अब तो फंस गई, अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, और अगर सृष्टि को पता चला तो पता नहीं क्या ही करेगी वो मेरे साथ। तो कहती है कि राबिया कहती है बताओ चुप क्यों हो, तुम्हें किसने बताया। तो कहती है अरे वो सृष्टि ने बताया था कि आप ईशु को लाइक करते हो बहुत ज़्यादा। राबिया कहती है अच्छा। फिर उठ के सृष्टि के पास जाती है और कहती है तुम पायल को सब कुछ बताती हो ना मेरे और ईशु के बारे में। बोलो ना। तो कहती है नहीं। तो कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे सच जानना है। तो कहती है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। तो कहती क्या सच कह रही हो तुम, मैंने कई बार नोटिस किया है उसे वो चीज़ें पता होती हैं जो मेरे और तुम्हारे बीच की बातें होती हैं, मुझे सच जानना है। वो सच नहीं बताती तो वहीं पार्क में एक डंडा पड़ा होता है, वो डंडा उठाती है और सृष्टि में एक दो डंडे मारती है, कहती है सच सच बताओ। तो मार के आगे तो भूत भागते हैं तो उसके मुंह से निकल जाता है यार पायल जी अब मेरी उसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी मैं, अब गर्लफ्रेंड है यार वो मेरी। ये सुनकर तो राबिया शॉक होती है, उसके हाथ से डंडा वंडा छूट जाता है और कहती है कि क्या 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 बोला तुमने अभी। तो सृष्टि चुप हो जाती है। राबिया कहती है मुझे जानना है तुमने क्या बोला है अभी। ये बोलो जल्दी बोलो, ये तुमने जो बोला सच है, कब से वो आपकी जीफ। तो सृष्टि कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है और सृष्टि का हाथ पकड़ती है और उसे पायल के पास लेके जाती है और कहती है कि बताओ जरा, और अब सही सही बताओ दोनों। सृष्टि तुमने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया और ईशु ने भी छुपाया मुझसे, इतनी बड़ी बात। पायल कहती है क्या हुआ, कौन सी बात, क्योंकि उसको तो कुछ आइडिया नहीं होता कि सृष्टि और पायल का रिश्ता राबिया को पता चल गया है। तो सृष्टि बोलती है राबिया सुनो, ईशु को कुछ नहीं पता सच्ची। राबिया कहती है झूठ मत बोलो, बचपन की दोस्त है वो तुम्हारी, उसको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। सृष्टि कहती पायल की कसम सच्ची यार उसे नहीं पता। तो पायल बोलती कोई मुझे भी बता दो किस बारे में बात चल रही है। तो सृष्टि कहते हैं राबिया को पता चल गया है कि तुम मेरे जीएफ हो। तो पायल घूर कर देखती है सृष्टि को और इशारों में मतलब उसे बोलती है एक बात भी संभाल सकती हो, और उसे इशारों में कहती है तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। तो राबिया बोलती है अब बताओ कब से चल रहा है ये सब जल्दी जल्दी। तो पायल और सृष्टि एक साथ कहते हैं 2 साल से सिर्फ। राबिया बोलती सिर्फ 2 साल, ये सिर्फ होता है, इतना टाइम हो गया तुमने ईशु को बताना ज़रूरी नहीं समझा, वो दोस्त है आपकी और आपने उसी से छुपा लिया।
पायल बोलती है वो आपकी वजह से ये बताने वाली थी, वो मैंने ही मना किया था, मैं चाहती थी कि यीशु आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, उसके बाद बता देंगे। लेकिन तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, हर टाइम मारती रहती हो उसको, उसके दिल में तुम प्यार ही पैदा नहीं होने देती। तो राबे कहती है सॉरी मेरा गुस्सा ख़राब है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन देखो ये ना बात अब मेरे ऊपर मत डालो। तो पायल बोलती है देखो वो तुमसे प्यार तो करती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है ये प्यार है या वो जो खुशी के साथ था। तो राबे बोलती तुम्हें खुशी के बारे में भी पता है, तुम हर बात बता देती हो अपनी गर्लफ्रेंड को। पायल कहती है इन्होंने नहीं बताया, ये बात हमारे ग्रुप के एक एक बंदे को पता है, यीशु जो भी है सबके सामने है और ग्रुप में सबको पता है कि उसको गर्ल्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। राबिया बोलती है या अल्लाह उठा ले मुझे, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे हैं ना कि मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तुम मुझे अभी बता दो सारी बातें, ठीक है, ये हर एक दो महीने में कुछ ना कुछ सदमे वाली बातें मुझे मिलती हैं यीशु की तरफ से या तुम्हारी तरफ से, जो कुछ बोलना है ना अभी अभी बता दो मुझे, सब कुछ अभी डिटेल में बता दो। तो पायल बोलते यार ज़्यादा मत सोचो यीशु के बारे में, ठीक है, हमारे यीशु तो लाखों में एक है। तभी सृष्टि कहती है हाँ, और फिर ये सारी बातें धीरे धीरे करके, मतलब सृष्टि और पायल के रिश्ते के बारे में जितनी भी बातें होती हैं सारी बताते हैं। और उसके बाद राविया का दिमाग यीशु की तरफ जाता है, तो कहती है आज ये यीशु कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, गई कहाँ है ये, आज आई नहीं है या दिख ही नहीं रही, आई तो थी लेकिन अभी कहाँ है वो, दिख क्यों नहीं रही है। तभी वो एक लड़की से पूछती है कि यीशु का देखा है क्या, तो बताती है। तो सृष्टि कहती है लो प्यार करने चली है ये, इन्हें यही नहीं पता कि यीशु है कहाँ, कैसे करोगे तुम प्यार उससे, हाँ। तो कहती है यार बकवास ना कर, कैसे करूँगी प्यार। तभी यीशु वहाँ आते हैं और उसके अंकल भी होते हैं साथ में, तो राबिया अंकल को देखती है तो कहती है कि अंकल आप यहाँ पे, कहते हैं हाँ तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। गुड न्यूज़ क्या, कि स्कूल तो ख़त्म हो गए हैं लेकिन हमारी यीशु अभी भी रेस तो करती है और इसने एकेडमी ज्वाइन की है, तो इसको तमिलनाडु जाना है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं ये सब सुन के, और वहाँ उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सब उसके लिए क्लैप करते हैं, सब यीशु को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। उसके बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं, तो राबिया वहीं रुकी हुई होती है, बाकी सब चले आते हैं। तो राबिया यीशु से कहती है कि क्या बात है, मुझे तो पता नहीं था तुम अभी भी रेस कंटिन्यू कर रही हो, अकेडमी ज्वाइन कर ली। तो यीशु बोलती है कि इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं स्पोर्ट्स से हूँ, तो रेस तो नहीं छोड़ूंगी ना, और वहाँ सभी स्टेट के बच्चे आएंगे, कितना मज़ा आएगा यार। तो राबिया कहती है सही है यार तुम्हारा, घूमती रहती हो। यीशु बोलती है बात तो सही है, आधा इंडिया तो मैंने इसी चक्कर में घूम लिया है, तो भाई अब सेलिब्रेशन तो बनता है ना। सृष्टि भी वहीं होती है तो कहती है हाँ यार। तो यीशु कहती है ठीक है काम करते हैं, राबिया के घर पे मिलते हैं, मेरे घर पे कोई नहीं, सब राजस्थान गए हुए हैं, तो राबिया के घर पे मिलते हैं। तो सृष्टि बोलती है कोई मेरे घर पे भी आ जाया करो। तो यीशु बोलती है नहीं, तेरे पापा बहुत सवाल करते हैं मुझसे, मुझे नहीं आना। तो राबिया हंसने लगती है, कहती है सच में। तो यीशु कहते हैं हाँ यार बहुत सवाल करते हैं। तो सृष्टि कहती है तो पढ़ लिख कर आया करना मेरे यहाँ। यीशु कहती है नहीं नहीं या तो राबिया के घर या मेरे अंकल के घर। तो दोनों बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद सृष्टि और राबिया भी घर चले जाते हैं। यीशु घर जाकर आंटी को
देखती है आंटी किचन में होती हैं, तो जाके उन्हें पीछे से हक कर लेती है और कहती है एक बड़ी सी गुड न्यूज़ है आंटी। तो कहती है क्या? तो ईशो बोलती है अंकल नहीं आए क्या? तो कहते हैं कि नहीं अभी तो नहीं आए। तो कहते हैं ठीक है फिर अपने पतिदेव से ही पूछ लो, वो मेरे कोच हैं, मैं क्यों बताऊँ। और ऐसे बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। इधर आंटी कहती हैं कि ये नहीं सुत रही, पता नहीं क्या है, ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ जो नहीं बताई। तो वो अपने पति को कॉल करती हैं लेकिन उनका फ़ोन बंद होता है। तो ईशो के पास जाते हैं और कहते हैं बताओ ना ईशो क्या गुड न्यूज़ है, बट प्लीज़ बताओ। तो ईशो कहते हैं सोचो सोचो क्या है। अब मैंने कोच बोला है तो कोच से ही संबंधित कुछ होगा। तो कहती है, तो उसकी आंटी कहती है हाँ बात तो सही है, तो गेस करो आप क्या हो सकता है। तो कहती हैं कि कहीं जाना है क्या? कहती है हाँ, कहाँ जाना है? तो कहती है पिछले साल केरल गई थी तो उसी के आसपास कहीं जाना है। तो उसकी आंटी कहती है स्टेट, कई स्टेट के नाम बताती हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो कहती है नहीं 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 सोचो सोचो। तभी उसके अंकल आते और कहते हैं मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा। फिर वो आके सारी बातें बताते हैं और कहते हैं इसका कोच मैं ही हूँ ना, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, आखिर मेरे ही अकेडमी से तो है। तो कहते हैं अच्छा तुम दोनों चले जाओगे तो क्या मैं अकेली रहूँगी यहाँ? तो कहते हैं हाँ कुछ दिन की बात है, रह लेना, ये एक काम करो अपने मायके चली जाओ, बहुत दिनों से नहीं गई हो। तो ईशो कहती है हाँ गुड आइडिया आंटी, अच्छा मौका मिला है 2 साल बाद। तो कहती है अच्छा ठीक है, आप लोगों को कब जाना है? तो ईशो बोलती है 1 वीक के बाद। फिर इधर उधर की थोड़ी बातचीत होती रहती है और शाम होती है। तो शाम को राव्या और सृष्टि घर आते हैं। राव्या ने रेड कलर का कुर्ता पहना होता है। तो जैसे ही वो अंदर एंटर करती है ईशो की नज़र राव्या पे पड़ती है और बस उसी पे अटक के रह जाती है। मन ही मन उसे देखते हुए कहती वाओ मेरे होने वाली गर्लफ्रेंड कितनी हॉट है। तभी अंदर से बोलती है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तो मैंने कुछ सोचा भी नहीं है और क्या सोचने लगी हूँ मैं, हद है यार मेरी। और अपने को झटकती है, ख्वाबों से बाहर लेके आती है। ये लोग बैठते हैं तीनों और इधर उधर की बातें करते हैं। तभी सृष्टि जो है ईशो के कान में धीरे से बोलती है ईशो, ईशो कहते हैं हाँ कितनी मस्त लग रही है ना, हाँ बोल दे अब, तेरे दिल में भी तो बहुत कुछ है इसके लिए। तो ईशो मुस्कुराती है और कहती है पागल है क्या। फिर ये लोग मस्ती करते हैं, वहाँ कुछ बात होती है तो ईशो कुछ कहती है तो राव्या उसे पिलो उठा के मारने लगती है। तीनों आपस में पिलो पिलो खेलने लगते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत शोर मचा रहे होते हैं। आंटी भी बहुत परेशान हो जाती हैं, हालांकि मार पीट के थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। उसके बाद ईशो और राव्या ऊपर चले जाते हैं और सृष्टि जानबूझ कर नीचे रुकती है, जिससे ईशो और राव्या को अकेले में थोड़ा टाइम मिले। इधर दोनों अंदर आते हैं रूम में, तो रूम में आते ही राव्या ईशो के गर्दन में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है अच्छा बताना एक बात, तुम कहाँ कहाँ गई हो? तो ईशो बोलती है पहले बताया तो था, अब क्या एक डायरी बना कर दे दूँ? भूल जाती हो, पढ़ती रहना फिर। तो राव्या ईशो को अपने और नज़दीक खींचती है और कहती है डायरी बना के दे दोगे तो आपकी आवाज़ सुनने को कैसे मिलेगी बार बार, और मुझे तो आपकी आवाज़ सुनने में जो मज़ा आता है ना वो किसी चीज़ में नहीं आता। राव्या की फीलिंग्स
अनकंट्रोल हो रहे थे, आउट ऑफ कंट्रोल। और इधर ईशो अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। राबिया ईशो को और अपने करीब खींचती है, उसे दीवार की तरफ धक्का देती है और उसके बहुत करीब आ जाती है। ईशो कहती है, राबिया क्या कर रही हो यार, पीछे हटो। राबिया उसके फोटो पे अपनी उंगलियों को रखती है और कहती है, शांत रहो, कितना बोलती हो, जब बोलना चाहिए तब तो बोला नहीं जाता और जब नहीं बोलना चाहिए तब इतना बोलती हो। और ये कहते हुए वो ईशु के होठों पे अपने होठों को रख देती है, उसके होठों को अपने होठों में लेती है और उसे किस करने लगती है। ईशु तो पहले राबिया को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल में उमड़ते जज्बात उसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देते हैं। इधर ईशु के बालों में कभी राबिया हाथ डालती है तो कभी अपने नाखूनों से उसकी पीठ पर निशान बनाती, उसके होठों को अपने होठों में लिए कभी बाइट करती तो कभी सक। ईशु भी अब राबिया को रिस्पॉन्स करने लगी थी। किस करते करते राबिया के हाथ ईशु की शर्ट के बटन पे पहुंच जाते हैं। किस करते हुए एक एक बटन खोलने लगती है, उसके होठों को किस करते हुए उसके गालों को किस करती है और धीरे धीरे उसकी नेक पे किस करती है। नेक पे किस करते हुए एक एक बटन खोलते हुए नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। ईशु और राबिया दोनों ही अपने होश को बैठे होते हैं। राबिया को ईशु एक बार फिर से अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पे अपने होठों को रख एक पैशनेट किस करती है। दोनों ही मोहब्बत की जंग में खोए हुए होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।